ओम शांति। 7 मार्च 1993 की संपूर्ण पवित्रता की अव्यक्त वाणी को कंटिन्यू करते हैं। बाबा कहते हैं, सदा बेफिक्र रहने का तरीका है सदा बाप के दिल तख्त में रहना। सदा दिल तख्त पर बैठने वाली आत्मा नशे में भी रहती और नशा रहने के कारण स्वतः ही बेफिक्र रहती, क्योंकि इस तख्त में ये विशेषता है कि जब तक जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान को विशेष कोई न कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है। दिल तख्त की ये विशेषता है फिक्र आ नहीं सकता, तो नीचे क्यों आते जो फिक्र हो? काम करने के लिए नीचे आना पड़ता है। दिल तख्त को ये भी वरदान मिला हुआ है कि कोई भी कार्य करते भी दिल तख्त नशीन बन सकते, फिर सदा क्यों नहीं रहते? बाबा पूछ रहे हैं कि दिल तख्त को ये वरदान मिला है कि वे सदा बेफिक्र रहते हैं, फिर सदा क्यों नहीं रहते? बाबा पूछ रहे हैं, और कोई अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण है क्या? है नहीं, लेकिन हो जाती है। कभी भी कोई भी बात सामने आए तो फौरन दिल तख्त नशीन बन जाओ तो कोई भी बात अपनी तरफ खींचेगी नहीं। बाबा ने पक्का कराया कि दिल तख्त नशीन होना है तो उसके लिए क्यों ये सदा नहीं होता है? कोई अट्रैक्शन है? बाबा पूछते हैं, कोई आकर्षण है? बैठने की प्रैक्टिस है या कभी कभी प्रैक्टिस भूल भी जाती है? तख्त नशीन बनने के लिए तो तिलकधारी बनना पड़े। कौन सा तिलक? स्मृति का। तिलक है तो तख्त नशीन भी है, तिलक नहीं तो तख्त नहीं। अविनाशी तिलक लगा हुआ है या कभी मिटता है कभी लगता है? अविनाशी तिलक है ना? स्मृति का तिलक लगा और तख्त नशीन हो सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और दूसरों को भी नशे की स्मृति दिलाएंगे। तिलक लगाना मुश्किल है कि सहज है? सदा इजी है ना? सदा शब्द में मुस्कुराते हैं। अगर बाप दादा पूछे कि 21 जन्मों में कभी चांस है, 21 जन्मों में कभी राज्य अधिकारी बनो, कभी प्रजा बनो, राज्य अधिकारी नहीं बनो, तो ऐसा मंजूर है? बाबा कहते हैं, अभी चांस है, क्योंकि भविष्य का आधार वर्तमान पर है। अगर अभी सदा तख्त नशीन है तो वहां भी सदा राज्य अधिकारी बनेंगे। तो सदा शब्द को अंडरलाइन करो। बच्चों को कभी भी बाप का वर्षा भूलता है क्या? तो ये दिल तख्त भी बाप का वर्षा है, वर्षा तो सदा साथ रहेगा, क्या याद रखेंगे? कौन हो? बेफिक्र बादशाह। बार बार स्मृति को इमर्ज करते रहना। सदा ये नशा रहे कि हम साधारण आत्मा नहीं है लेकिन विशेष आत्माएं हैं। आप जैसी विशेष आत्माएं सारे विश्व में बहुत थोड़ी है। थोड़ों में आप हो, इसी खुशी में सदा रहो। अच्छा, फिर ग्रुप नंबर 4 से बाबा की मुलाकात है। मुश्किल का कारण अपनी कमजोरी है, इसलिए मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। अभी अपने को सहजयोगी अनुभव करते हो। जो सहज बात होती है वो सदा सहज होती है या कभी कभी मुश्किल होती है? योग मुश्किल है या आप मुश्किल कर देते हो? मुश्किल क्यों करते हो? अच्छा लगता है मुश्किल? जब अपने में कोई ना कोई कमजोरी लाते हो तो मुश्किल हो जाता है। कमजोरी मुश्किल बनाएगी, तो कमजोरी आने क्यों देते हो? बच्चे किसके हो? तो बाप कमजोर है तो आप क्यों कमजोर हो? आप अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाते हो या मास्टर कमजोर? मास्टर सर्वशक्तिमान, फिर कमजोर क्यों? अगर कमजोरी आ जाती है, चाहते नहीं हो लेकिन आ जाती है,
तो आने जाने का कारण क्या है? चेकिंग ठीक नहीं है। चलते चलते कहाँ न कहाँ किसी बात में अलबेलापन आ जाता है, तब कमजोरी आ जाती है। तो सदा अटेंशन रखो कि कहाँ भी कभी भी अलबेलापन नहीं हो। सदा ये अटेंशन रहे कि कभी भी कहाँ भी अलबेलापन नहीं हो, डबल अंडरलाइन करे से। अच्छा, इसको कल कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति।